साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर के अगवा पर पीपल्स पार्टी तो जैसे भड़क ही उठी और गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा वजीर अला पंजाब शबाशी के खिलाफ फट पड़े। पीपल्स पार्टी के गवर्नर को भी कत्ल करवाना है और इसी तरह अगर उनके बड़े बेटे को इस तरह से अगवा करवाना है दिन दिहाड़े और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की इन्होंने कैफियत पैदा करनी है तो ये हमारी मफाहमत को कमजोरी मत समझें। यही नहीं गवर्नर का तो ये भी कहना था कि सलमान तासीर के कत्ल के बाद अब शहबाज तासीर का पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में अगवा गहरी साजिश है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पंजाब असेंबली के बाहर अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने तो नाकामी पर शहबाज शरीफ से हुकूमत से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया है। मौलवी बन के दर्स देने गए हैं कराची, अपने सूबे में ये दर्स दें और अपना इस्तीफा जो है इस पंजाब के अवाम के सामने पेश करें। सदर ममकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक गवर्नर की अहलिया आमना तासीर को फोन करके यकीन दिलाया है कि हुकूमत उनके बेटे की बागयाबी के लिए तमाम वसाइल को बुरेकार लाएगी। शहबाज शरीफ के दौरे कराची के रद्द अमल में शहबाज तासीर के अगवा को जवाब बनाकर पीपल्स पार्टी सियासी सतह पर भरपूर जवाब देने के लिए मैदान में उतर आई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।